हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से कुछ शेयर करने आ गई हूँ। और अभी नहीं शेयर करूँगी, अभी मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि अभी टाइम हो गई है 8:30 और ब्रेकफास्ट बनानी है हमें। घर के सारे काम ख़त्म हो गए लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं हुआ किसी का भी, बस शुभ का हो गई, वो चली गई दुकान पर। और मैं मम्मी अभी ब्रेकफास्ट करूँगी, शीरो को ब्रेकफास्ट कराऊंगी। और मतलब कि एक खुशखबरी भी है और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सैड बातें भी है, जो कि है शीरो के लिए। पता नहीं वो सैड है या पता नहीं, कुछ भी जो भी है। तो अभी टाटा, मैं काम ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज, मैं ब्रेकफास्ट करके आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, मेरे भी हो गया और शिरू का भी हो गया। तो सबसे पहले जो सैड न्यूज़ है वो बताती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, साउंड में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि पास में एक घर हो रही है, तो पूरा दिन ठकाठक ठकाठक रहती है और वीडियो तो बनानी है, तो इसमें काम चलाना पड़ेगी। और रात में टाइम नहीं मिलती, इसलिए मैं रात में वीडियो नहीं कर सकती हूँ, इसलिए दिन में ही करती हूँ। प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा कर। मैं सबसे पहले बताती हूँ कि शीरो को हुआ क्या है, शीरो के लिए क्या सैड न्यूज़ है। तो शीरो को 2-3 हफ्ते, 1 महीने पहले एक लाल उसके बॉडी में एक रेड टाइप का कुछ हो गई थी, तो उसमें हमने उतना ध्यान नहीं दिया कि वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो जब ठीक नहीं हो रही थी तो हमने शीरो को डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने कुछ दवाई दे दी और शीरो को कुछ दवाई दिया, उसके साथ 2 ट्यूब दिया जो लगाना था, और उसके साथ एक ड्रेसिंग करने के लिए एक लोशन दिया था। लेकिन हमने वो ख्याल नहीं किया कि वो लोशन ड्रेसिंग करने के लिए था, तो वह पे लिखा हुआ भी नहीं था और हमने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। और उसके जो कंपाउंडर होती है, मतलब कि जो असिस्टेंट होती है जिसके दुकान में वो डॉक्टर बैठती है, उन्होंने जब हम लोगों को वो दवाई दी तो उन्होंने सबका यूज़ बताया पर उसका यूज़ गलत बता दिया। तो हम लोगों ने घर पे आके उसका शीरो की 15-15 डेज की वो कोर्स थी, तो हमने वो जो ड्रेसिंग करने वाली जो लोशन थी वो दिखने में पूरा सिरप जैसी होती है, हाँ, तो उसको हमने 5 ml करके शीरो को दिन में 2 टाइम खिला दिया। वो नहीं खाना चाहती थी फिर भी ज़बरदस्ती खिला दिया, क्योंकि बोला है वहाँ से, इसलिए खिला दिया। डॉक्टर ने नहीं बोला, डॉक्टर ने एक बार भी मेंशन नहीं किया, डॉक्टर ने बस लिखा था। और शायद डॉक्टर ने बोला था कि ड्रेसिंग करना है, पर हम लोगों को याद नहीं था, क्या अभी भी याद नहीं है डॉक्टर ने बोला था या नहीं। लेकिन डॉक्टर ने ये नहीं बोला था वो खिलाना है, लेकिन उसका जो असिस्टेंट है जो दुकान में रहती है उन्होंने बोला था खिलाना है, तो हम लोगों ने खिला दिया। तो 15 दिन बाद जब उसका कोर्स कंप्लीट हो गया, उसको लेके हम फिर से डॉक्टर के पास गई। और डॉक्टर ने जब देखा तो वो ठीक हो गई थी, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक हो गई। तो डॉक्टर ने पूछा कि ये इससे ड्रेसिंग कर रही थी ना आप, तो जब बोला तब तो मतलब कि हमारे दिमाग पर पहाड़ गिर के पड़ा कि इससे ड्रेसिंग करना था मैंने। और शुभ ने बोला डॉक्टर को कि गलती हो गई, उससे हम लोगों ने ड्रेसिंग नहीं किया, उसको 2 टाइम 5 ml करके पिला दिया। तो जब डॉक्टर ने सुना, डॉक्टर ने तो माथे पे हाथ दे दिया कि मेरे 20 ईयर्स की एक्सपीरियंस में ऐसे केस कभी भी नहीं हुई, पहली बार आप लोगों से सुन रही हूँ, ऐसे आप लोगों ने कैसे ये कर दिया, कैसे नहीं पढ़ा ठीक से। और इसमें हमारे भी फॉल्ट है, हमारे भी बहुत बड़ी गलती है, बहुत ही बड़ी, 80% गलती हमारी है, उसके अगर 20% है तो अभी हो गई है, अभी क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती थी। तो डॉक्टर को बोला कि जैसे भी हो शीरो को कुछ नहीं होना चाहिए, शीरो को ठीक कर दो आप। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो उसके 15 दिन का सिम्टम क्या है, शीरो ने कुछ अजीब वगरीब कुछ किया, तो हमने बोला नहीं, शीरो पूरा चंगा है, पूरा ठीक ठाक है, शीरो में कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं आई उसको वो दवाई खिलाने के बाद। बस शीरो की टॉयलेट जो है वो थोड़ा येलो हो गई है और उसका पॉटी भी थोड़ा येलो हो गई, ये बस सिम्टम आया। तो ये
जब हजम नहीं होती है इसके वजह से भी होती है, और जब दवाई चलती है दवाई चलने की वजह से भी हो सकती है। तो हमने सोचा कि दवाई चल रही है इसलिए शायद हो रही है, लेकिन पता नहीं कि उस दवाई की वजह से हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला हाँ इसके लिए हो रही थी ये। और एक दिन उन्होंने उल्टी भी की, उल्टी क्या की, उल्टी में कुछ गलत नहीं था, बस जो खाया उसको बाहर निकाल दिया, एक दिन वो किया था। डॉक्टर को हमने बोला, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इससे तीन चीज़ हो सकती है उसके किडनी लीवर डैमेज कर सकती है धीरे धीरे से, उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, और एक कुछ बोला मुझको ठीक से याद नहीं, क्योंकि तब तो मैं वहाँ पर रो पड़ रही थी कि अब क्या होगा शिरो का, अब क्या होगा। तो उन्होंने शिरो के लिए तीन चार दवाई लिख दी कि ये जो मैं दे रही हूँ जो जो डैमेज कर सकती है, जो जो चीज़ उसके पेट के अंदर उसके बॉडी के अंदर, उसको गाइड कर देगी ये दवाई, और उसको कुछ नहीं होगी इससे, और अगले 15 दिन वो कैसी रहती है इसमें ध्यान दो। और वो जो दवाई खिला रही थी उसको, जो लोशन था ड्रेसिंग करने के लिए, वो हमने पूरा नहीं पिलाया, बस कुछ दिन पहले मैंने वो ऑफ कर दिया, ऐसे ही दिमाग में आया कि वो और नहीं खिलाऊंगी, और नहीं खिलाया वो मैंने उसको। वो जो दवाई था उसका 60% मैंने शिरो को खिलाया था, और उसके बाद ऐसे ही मेरे मन में आया और मैं उसको ऑफ कर दिया। तो अच्छा ही हुआ कि ऑफ कर दिया, पूरा नहीं पिलाया वो बिल्कुल भी, वो पीना नहीं चाहती, 2-3 बार तो फेंक भी दिया, उसके बाद भी ज़बरदस्ती पिलाती रही, और वो सोच के भी अभी रोना आती है कि हम लोगों ने उसके साथ क्या कर दिया। तो जो भी है मुझको 99% भरोसा है कि वो पूरा ठीक हो जाएगी, उसको कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मतलब कि कुछ भी हो जाए वो टूटती नहीं है बिल्कुल भी, और इन 15 दिन में भी उसमें कुछ भी नहीं हुआ, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो देखती हूँ अगले 15 दिन वो कैसे रहती है, अभी तक ठीक ठाक ही है, खाना ठीक ठाक से खा रही है, पानी ठीक ठाक से पी रही है, सब कुछ ठीक है ये। और एक बात, वो जो डॉक्टर को हम लोग उसको दिखाती हूँ, वो डॉक्टर हमारी कलकत्ता में सबसे अच्छी भेंट है, वो सबसे अच्छी, जिसको भी जो कुछ भी होती है अगर कोई किसी से भी भेंट, मतलब पेट के लिए डॉक्टर के नाम पूछे, तो जो भी लोग अपने पेट के लिए डॉक्टर चाहती है तो सब लोग बस उसी डॉक्टर को सजेस्ट करती है। वो डॉक्टर पहले यहाँ पे हमारे यहाँ बाराशत में बैठती थी, पर वहाँ की पोजीशन ठीक नहीं थी हॉस्पिटल की, तो उन्होंने वहाँ से चली गई। वो अभी कोलकाता के सॉल्ट लेक में बैठती है, तो हमको इतना दूर लेके जाना पड़ती है शिरो को, इतना दूर जाती हूँ, और अभी वो मध्यम ग्राम में है, तो मध्यम ग्राम में भी ले जा सकती हूँ। और वो डॉक्टर जो है वो हमारे कलकत्ता की जो जू के मेन डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, पूरा भरोसा है डॉक्टर में और शिरो पे भी और गॉड पर भी, भगवान पर भी। तो आप लोग भी प्रे करिए कि हमारे शिरो ठीक हो जाए, उसको कुछ भी नहीं हो। तो ये था शिरो का सैड न्यूज़, और शिरो के लिए भी एक गुड न्यूज़ है, जो कि है शिरो का वेट 30 कंप्लीट हो गई है, अभी उसका एज है 50, 60 या 70 मंथ्स, और वो एक स्ट्रीट डॉग है, एक स्ट्रीट डॉग का इतने कम एज में इतना वेट होना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा, बस दवाई और खाने की वजह से ये हुआ है। और जितने भी पेट्स लेके लोग जाते हैं उसमें से सबसे शिरो देखने में अच्छी होती है हमेशा, पता नहीं क्यों, हो सकती है हमारे आँखों में ये लगती है। और अब आती हूँ गुड न्यूज़ पे, बहुत दुख भरी कहानी मैंने सुना दिया आप लोगों के, बहुत टाइम ले लिया, अब आती हूँ गुड न्यूज़ पे। गुड न्यूज़ ये है कि मेरे एक वीडियो पे 15,000 व्यूज़ हो गई है, 15,000, ओह गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि 15,000 15,000 व्यूज़ हो गई है, 15K कंप्लीट हो गई है, और भी आगे बढ़ रही है। तो प्लीज़ 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 आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड उसके
बगल में जो छोटू सा बेल आइकन है उसको भी हिट कीजिए और मुझको बहुत 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 सारा प्यार कीजिए और बहुत सपोर्ट कीजिए। जैसे कि मेरे पहले जो वीडियो फास्ट मेरे चैनल पे जो फास्ट वीडियो है बहुत ही छोटू मोटू सा वीडियो है, तब मैं वीडियो बनाने भी नहीं जानती थी, अभी भी नहीं ठीक से नहीं कर सकती हूँ, पर जो भी है ट्राई करती हूँ। वो वीडियो ही वायरल हो रही है, वो वीडियो में ही व्यूज़ आ रही है, बहुत अच्छी चल रही है वो वीडियो। और मुझको देख मैं तो देख के हैरान हो गई, अरे यार मेरे वीडियो 15K, मैं तो 1K भी नहीं सोचती हूँ कभी कि मेरे वीडियो में 1K व्यूज़ आ जाए तो कितना अच्छी होती है होगी, पर 15K व्यूज़ हो गई और उसके वजह से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रही है। तो प्लीज़ 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 मुझको सपोर्ट कीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। टाटा बाय बाय, और शुरू के अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर नेक्स्ट 15 डे बाद वो कैसी रहती है। अभी वो सो रही है खाट के नीचे, उसका खाना कंप्लीट हो गया, उन्होंने दवाई भी ले लिया इसके लिए। तो टाटा बाय बाय, और दो बार बोलते हैं टाटा बाय बाय, उसके बाद भी एक बार बोलना चाहती है, वो कोविड फिर से खेल दिखा रही है। तो आप लोग सेफ रहिए।